बच्चों, अब हमारे सामने एक उदाहरण और है। उदाहरण क्रमांक 31। इसमें हमें दो संख्याएं दी हुई है, 2x धन वाई और इस संख्या में हमें गुणा करना है 3x ऋण 5y का। 3x ऋण 5y, 2x धन वाई गुणा 3x ऋण 5y। इन्हें हम इस तरह से लिखें जैसे गुणा के लिए हम लिखा करते हैं, 2x धन वाई गुणा 3x ऋण 5y। इसे हम विस्तारित करके लिखें क्योंकि इसमें निर्देश हमें दिया हुआ है। संकेतों की सहायता लेकर हल कीजिए। तो हम इन्हें फिर से लिखें एक बार, 2x धन वाई और इसमें हमें गुणा करना है 3x ऋण 5y का। आपको याद होगा कि इन दोनों संख्याओं में दो पद हैं और यदि हम इनको पहला और इसको दूसरा पद मान लें, इसको पहला इसको दूसरा पद मान लें, तो पहले इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों के गुणनफल का योग और फिर इन दोनों का गुणा। इसे हम संकेतों से इस प्रकार दर्शाएं जिससे हमें पता चले कि हमें किनका गुणा करना है। तो पहले तो y और 5 ऋण 5y का गुणा करेंगे, फिर हम 2x और ऋण 5y का गुणा करेंगे और उसमें हम जोड़ेंगे 3x और y का गुणनफल। इसे भी हम इस तरह से तीर के निशान से प्रदर्शित कर दें और फिर एक पद हमें और मिलेगा जो इन दोनों के गुणनफल से हमें प्राप्त होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, हम यहाँ से शुरू करें। तो हमें जो एक पद मिलने वाला है y गुणित ऋण 5y, ये हमें प्राप्त होगा ऋण 5y का वर्ग। इन दोनों का गुणा करें हम तो 2x गुणित 5y बराबर 10xy मिलेगा जो कि ऋणात्मक होगा क्योंकि इस 5y के पद का मान ऋणात्मक है और इसका धनात्मक है, तो जो हमें परिणाम मिलेगा वो ऋणात्मक होगा। तो हम इसे लिखें, 2 गुणित 5 ये 10 हुआ और x गुणित y xy हुआ और इस पूरे पद का चिन्ह है ऋण। अब इन दोनों का आप गुणा करें तो आपको मिल रहा है 3x गुणित y। दोनों पद धनात्मक हैं इसलिए इनका गुणनफल भी धनात्मक होगा, तो हमें प्राप्त होगा 3x गुणित y यानी 3xy और आप इसे लिखें धन 3xy। एक पद हमें और मिलने वाला है जो इन दोनों के गुणा करने पर मिलेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ 2x है और यहाँ 3x है, इनको गुणा करने पर आपको 6x वर्ग मिलेगा जो कि धनात्मक होगा। अब आप ध्यानपूर्वक देखें तो आपको दिख रहा है कि यहाँ जो बीजांक है वह x वर्ग है, यहाँ xy है, यहाँ xy है और यहाँ y का वर्ग है। आप देख रहे हैं ये दोनों पद सजातीय हैं और इन्हें हम हल करके लिख सकते हैं। तो हमें जो परिणाम मिलेगा वो ये होगा, 6x वर्ग जो कि धनात्मक है धन 3xy ऋण 10xy बराबर आप लिख सकते हैं ऋण 7xy। ये आप जानते हैं ऋण 7 कैसे आ रहा है। फिर अंतिम पद जो हमारे पास बचा है ऋण 5y वर्ग। तो बच्चों ये हल है आपका, जो संख्याएं आपको दी हुई थी 2x धन y गुणित 3x ऋण 5y, इनका गुणनफल आपको इस रूप में प्राप्त होगा, 6x वर्ग ऋण 7xy ऋण 5y वर्ग। इस उदाहरण को आप खुद से भी एक बार अपने साथियों के साथ मिलकर हल करिए और आप देखिए कि ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। कहीं दिक्कत हो तो आप अपने शिक्षक से बात कर सकते हैं।